वेलकम टू फ्लाविया खान शो। नाज़रीन, कहा जाता है कि पैसा जो उनसा है वो तमाम खुशियों को नहीं खरीद सकता, और इसी की एक अहम मिसाल अभी हमारे सामने आई है जो कि मेलिंडा और बिल गेट्स की डिवोर्स की फॉर्म में है। डिवोर्स जो है एक सैड रियलिटी है, और शुरू करने से पहले मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, कि बिल गेट्स जो उनसे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं। 1970 में इन्होंने इस फाउंडेशन की जो उनसे बुनियाद रखी थी, और 1987 में इनकी जो वाइफ है अभी, जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, इन्होंने इस फाउंडेशन को ज्वाइन किया था 1987 में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। उसके बाद इन्होंने अपना एक बिजनेस टूर के लिए ये लोग न्यूयॉर्क गए इकट्ठे, और वहाँ से इनकी जो उनसे दोस्ती हुई और काफ़ी फिर ये क्लोज हुए, और वहाँ से फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नाउ दिल गेट मैरिड। अब चूंकि ये मैरिड थे और शादी के 27 साल इन्होंने साथ में गुजारे, और इन 27 सालों में इनके 3 बच्चे हुए, और इन्हीं 27 सालों में इन्होंने एक फाउंडेशन की बुनियाद और रखी, जिसे हम लोग जानते हैं मेलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन के नाम से। अब हाल ही में इन्होंने ट्वीट किया है कि 27 सालों के बाद, विच इज़ अ वेरी सैड रियलिटी, जो कि लाइक आप सुन भी नहीं सकते हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कि इन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं 27 सालों के बाद, 3 बच्चों के बाद। सुन के अजीब लगता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि इसकी रीज़न उन्होंने दी कि दे कैन नॉट ग्रो टुगेदर एज अ कपल। लेकिन इन्होंने बोला है कि हमारी जो फाउंडेशन है, जो कि बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स नाम फाउंडेशन के नाम से चल रही है, वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और इसी पे वो काम करते रहेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिवोर्स के बारे में, और इसी से मुतल्लिक हम तस्कीन से भी बात करेंगे। तस्कीन, जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, कि डिवोर्स इज़ अ सैड रियलिटी और मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी जब आप 27 साल इकट्ठे गुजारते हो तो उसके बाद आप कैसे सोच भी कैसे सकते हो कि यू पीपल आर नाउ गोइंग टू गेट सेपरेटेड। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फ्लाविया, थैंक यू सो मच, और आपके नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। और ये जैसा आपने फरमाया कि ये वाकई ही सैड रियलिटी है, ये कभी भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। 1994 में जब इनकी शादी हुई, तो उसके बाद फिर अब 27 बरस के बाद अब इनके 3 बच्चे हैं। जेनिफर हैं 25 साल की, फिर रोरी हैं इनके सन 21 साल के, और एक बेटी हैं फीबी, उनकी उम्र 18 साल, वो सबसे छोटी हैं बेचारी, अभी 18 साल तो बहुत कम उम्र होती है। तो रिपोर्टेडली जो तीनों बच्चे हैं बड़े अपसेट हैं, जो समझ में भी आता है। कोई ना कोई वजह नेचुरली होती है हर डिवोर्स के पीछे। ये बिल्कुल ऐसा, जिसको आप जितना मर्ज़ी आप सोने का पत्थर चढ़ा लें या जो मर्ज़ी बात कर लें कि जी हम एज ए कपल ग्रो नहीं थे कर रहे, ये इसको कहते हैं कि पढ़े लिखी बातें। लेकिन कोई भी रिश्ता हो, जितना मर्ज़ी इंसान पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, अगर उसके दरमियान ये वक्त आ जाता है कपल्स के दरमियान, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस बात हुई होगी। क्योंकि आपको पता है कि छोटी छोटी बात पर तो डिवोर्स नहीं होती, चाहे आप किसी भी माशरे में रहते हो। हाँ, एक सैड रियलिटी है, मजहबी लिहाज से अगर देखें, हम ज़ाहिर मज़हब की तालीमात के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन बेसिक्स तो सबको पता होता है या होना चाहिए, कि मसीहत के अंदर जो क्रिश्चियन मैरिज है वो डिवोर्स हो नहीं सकती। वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि जब एक पार्टनर जो है वो एडल्ट्री करे, यानी कि उसके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों या कोई बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर ले, फिर डिवोर्स होती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था ये शो पे आने से पहले, कि एक मुमताज़ बरतानवी न्यूज़पेपर के अंदर आया कि बिल गेट्स जो हैं उन्होंने अपनी वाइफ से इजाज़त ली ये कुछ टाइम पहले, कि अपनी एक उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है 70s की, शादी से बहुत पहले, तो उनसे वो 5 साल बड़ी भी हैं, तो खैर एज की बात इतनी नहीं मैं कहता, लेकिन ये कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उनके साथ वो एक लॉन्ग वीकेंड स्पेंड करना चाहते थे, जिसकी उन्होंने मेलिंडा गेट्स से इजाज़त ली। अब ये क्या बात हुई, आपकी बीवी भी है, फिर आप अपनी एक्स जो कोई गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ आपको ब्रेकअप भी हो गया था लॉन्ग टाइम अगो, तो आप उनके साथ डेट भी करना चाहते हो। क्या आप अपनी उम्र देखें, अपने शौक देखें, अपना मुकाम देखें दुनिया में, आपको किस तरह लोग जानते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई ना कोई वजह नहीं होगी, ऐसे तो नहीं कि बैठे बैठे दिल भर गया तो आप कह दें जी ये इन्होंने वो ट्वीट कर दिए दोनों ने कि जी हम एज ए कपल ग्रो नहीं कर सकते। ये क्या, इसका मुझे समझ नहीं आई। आपको अगर समझ नहीं आई है कुछ ऐसी बात तो आप भी बता सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आई कि एज ए कपल क्या मतलब, ग्रो क्या नहीं कर सकते आप, आगे क्या मतलब, आप कोई सारा कुछ तो आप कर रहे थे, फलाही काम भी आप कर रहे हैं, आपके 3 बच्चे भी हैं, दौलत आपके पास है, किसी चीज़ का आपको बाहर कमी नहीं लगती, फिर भी आप मेंटली ग्रो नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, ये कहना चाहिए इसको। ये भी हो सकता है कि आज के लोगों में बर्दाश्त नहीं है, तो हो सकता है कि एक दूसरे के लिए जो बर्दाश्त है उनकी वो खत्म हो गई हो, और 27 साल यही बर्दाश्त करते करते वो चलते आ रहे थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने फैसला किया कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं।
ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन तस्कीन अगर देखा जाए तो बिल गेट्स को दुनिया जानती है, ही इज़ अ पब्लिक फिगर, लेकिन क्या ये डाइवोर्स की बातें ऐसे पब्लिकली होनी चाहिए? पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी वेब चैनल पे देख रहा था, बड़े मशहूर साफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि जी हम इनकी प्राइवेसी में दखल ना दें, हालांकि खुद उसके ऊपर शो कर रहे हैं, फिर प्राइवेसी कहाँ रहेगी। दूसरी बात ये कि जो पब्लिक फिगर होते हैं इनकी हर बात को दुनिया एक रोल मॉडल के तौर पर लेती है, एक न्यूज़ के तौर पर लेती है, और जब उन दोनों ने खुद इनके पता नहीं लाखों मिलियंस कोई फॉलोअर्स भी होंगे ट्विटर के ऊपर या ट्वीट इन्होंने किया दोनों ने, तो बहुत इनको लोग जानते भी हैं, तो पब्लिक फिगर की लाइफ को डिस्कस किया जा सकता है थोड़ा सा सीखने सिखाने के लिए कि ये क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने खुद अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखा, तो फिर हम भी जाहिर एक हद तक इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे लिहाज से कोई ममानत नहीं है कि कोई इस पर बात की जाए, या जितना उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की उसी के ऊपर हम डिस्कस करें। बिल्कुल, इसके अलावा तस्कीन लोगों को बहुत से होप्स भी हैं इनसे, ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जो से उसकी बुनियाद रखी थी, और उसके बाद भी ये लोग काफ़ी काम करते रहे, फिर ये जो फाउंडेशन का जिसका भी मैंने जिक्र किया कि उन्होंने जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स के नाम से फाउंडेशन स्टार्ट की, कहा तो इन्होंने ये है ट्वीट में कि उस फाउंडेशन पे काम होता रहेगा, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि क्या इस पे असर पड़ेगा कोई? असर शायद किसी हद तक तो शायद पड़े, ये नहीं हम कह सकते कि 100% शायद ना पड़े, लेकिन ये कि खुशाइन बात यह है कि दोनों ने ये कहा कि हम फ्लाई काम करते रहेंगे। अब देखें ना कि दो बातें हैं, ये तो एक ज़ाहिर माइक्रोसॉफ्ट की सूरत में इन्होंने दुनिया को बहुत बड़ा तोहफा भी दिया था, इसमें कोई शक नहीं, बिल गेट्स ने, और इंसानियत की खिदमत भी हुई, लेकिन एट द सेम टाइम ये उनका कारोबार भी है, इसी से उन्होंने पैसा बनाया और इसी से फिर नाम भी बनाया, और दुनिया के अमीर तरीन शख्स थे एक वक्त पर, तो ये नहीं कहना चाहिए कि अब असर नहीं पड़ेगा, शायद असर पड़े, पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अब इनके इसके अलावा कोई और काम भी नहीं आता, अब क्या करेंगे मुझे बताएं, माइक्रोसॉफ्ट तो बना दिया, इसके बाद रवाई काम भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ा काम किया पोलियो इरेडिकेशन के लिए, और फिर बिल गेट्स की शख्सियत के हवाले से बात करें, हम प्रोग्राम में ऑन एयर आने से पहले हम बात कर रहे थे कि इनकी बारे में दो तरह के लोग हैं, एक तो बड़ा इनके फ्लाई कामों को सराहते हैं, और दूसरा ये जब से कोरोना वायरस आया, इनकी एक पुरानी वीडियो भी आपको पता है कि लोग वो अक्सर वो बेस शेयर करते हैं, जिसमें इन्होंने एक तरह से प्रेडिक्शन की थी कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा वायरस आएगा और तबाही फैलाएगा, तो लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता था, और आजकल ये कोरोना वायरस को भी लोग यही समझते हैं कि इसको मॉडिफाई करके एक वायरस को तो फैला दिया गया बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर, बल ये टॉपिक नहीं आज का, लेकिन ये अगर रफाई काम जो आपने फरमाया ये होता रहना चाहिए और लग रहा कि होता रहेगा, क्योंकि दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि ये फ्लाई काम करते रहेंगे, और मेरे ख्याल से इसके अलावा उनको कोई और काम आता भी नहीं है, लेकिन काम अच्छा है इसलिए इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए तो इसलिए एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी इस चीज़ से हट के, क्या डिवोर्स आज हमने देख लिया कि बहुत आम हो चुकी है, तो मेरा क्वेश्चन एक ये है, वेरी जनरल क्वेश्चन, कि क्या बच्चों के बाद इन्हें सेपरेशन लेनी चाहिए? बच्चे जो हैं वो बहुत से जोड़ों को हमेशा तक मिला कर रखते हैं, और ये उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ की एक सीढ़ी बन जाती है, क्योंकि देखें कोई शादी हो या ज़िंदगी का कोई भी काम, जब आप कोई जॉब भी करते हैं या कोई काम करते हैं, आपके कोई टारगेट्स होते हैं, कोई मोटिवेशन होती है, तो हर शादी को चलाने के लिए बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं, तो ये भी एक रीज़न है, तो बच्चों को अब उनके पेरेंट्स आपस में स्प्लिट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या तो कॉम्प्रोमाइज़ बच्चों के लिए। जी जी जी, मैं तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो डिवोर्स है वो एकदम नहीं होते, ये हदें पार हो जाती हैं, फिर जाकर तो ये स्टेप लिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि मगरिब में लोगों का जो है सब्र का पैमाना वो थोड़ा ज़रा इस मामले में वो ज़्यादा लटकाते हैं मामला को, एशियन वो कल्चर है ना, ईस्टर्न कल्चर, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ या फैमिली का प्रेशर या और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लड़की या लड़का बर्दाश्त करते रहते हैं कई मामलों पे, तो वो इस हद तक नहीं जाते कि डिवोर्स, कई लोग कहते हैं कि मगरिब में डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो जैसे मैंने शुरू में किया कि अगर आपको अपने मजहब का पता हो आप डिवोर्स ले नहीं सकते, ये नहीं कि छोटी छोटी बात पर दिल भर गया तो डिवोर्स ले ली और फिर वो किसी और से शादी कर लिया, और बाद दुकान फिर वो दोबारा कपल आपस में भी मिल जाते हैं, तीसरी दफ़ा शादी कर लेते हैं, ये भोंडा मजाक है। अगर आप अपने रिलीजन को समझते हैं तो हमारे रिलीजन में तो डिवोर्स का तसव्वुर ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप शादी करें तो सोच समझ के करें वरना ना करें, ठीक है, अगर कर लिया तो फिर उसको निभाना है। अब जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज़ की बात की कि एशियन जो हमारी फैमिलीज हैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ चलते रहते हैं, लेकिन तस्कीन ये भी देखने में आता है कि कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर वो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनकी जो फैमिली लाइफ है दिस इज़ वेरी अनहैप्पी, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रही होती है, बच्चों की खातिर या जो भी है, एक कॉम्प्रोमाइज़ की बेसिस के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी गुजारना और एक जो होम अंदर की सिचुएशन है, एक फैमिली लाइफ है, वो वेरी अनहैप्पी, वेरी अनहेल्दी, ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि फिर डाइवोर्स ही ले लेनी चाहिए या लटकाए रहना चाहिए? मैं फिर भी वही कहूँगा कि दोनों केसेस में देखें ना,
बंदे अनहैप्पी हैं। अच्छा इसकी एक हिस्टोरिक बात देखें, जो हमारे से पहली जनरेशन थी, मैं सिर्फ एशियन कम्युनिटी की बात करूँगा या ईस्टर्न कल्चर की, क्या उनके लिए मसाइल नहीं थे? उनके भी मसाइल होते होंगे, और वो तो अजीब सी बात थी कि जब उनकी शादियाँ होती थी वो बड़ी प्योरली अरेंज टाइप की शादियाँ होती थी, वो लोग एक दूसरे को शादी से पहले नहीं थे जानते अक्सरियत लड़की लड़का, और वो शादी के दिन से ही शायद एक दूसरे को जानना शुरू करते थे, और फिर भी उनकी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो आज के मुकाबले में ज़्यादा हैं। तो क्या कॉम्प्रोमाइज उन्होंने भी किए होंगे? उन्होंने तो स्क्रैच से स्टार्ट किया, डे वन से देखा भी नहीं एक दूसरे को सही तरह, शादी वाले दिन देखा होगा। तो उनकी शादियाँ भी सक्सेसफुल थी, कॉम्प्रोमाइज भी थे, लेकिन आजकल जो नौजवान है हमने देखा है कि वो शादी से पहले अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके पास जस्टिफिकेशन होती है कि हम वो हद से ज्यादा एक दूसरे को जान लेते हैं। हाँ वो ये भी है कि ये इसलिए इसकी ब्यूटी ये है कि वो एक जो हद है उसको पार ना किया जाए, बहुत ज्यादा भी ना घुस जाए एक दूसरे के अंदर, और बिल्कुल भी ना आज के दौर में एक दूसरे को छुपा भी नहीं रह सकता कि आप थोड़ा बहुत बंदे को जानना चाहिए कि उसका करेक्टर कैसा है या उसका फैमिली बैकग्राउंड या वो कोई क्या काम शाम कर रहा है, कोई थोड़ा सेटल है, ये चीज़ों को देखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन ज़माना बदल गया, लेकिन बहरहाल फैसला सोच समझ के करें ज़िंदगी का कि इस शख्स के साथ, इस मर्द या इस औरत के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, बस ये औरत या मर्द आप सोचें, फिर आप फैसला करें कि आपको क्या करना है, क्योंकि जिंदगी भर का फैसला ये मजाक नहीं है। और वैसे भी जब मेरे ख्याल से जितना आप ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, जैसे इनकी शादी को 27 साल हो गए थे, आई थिंक सो ज़्यादा टाइम गुजारने के बाद उतना ही मुश्किल होता है दूसरे को छोड़ना, क्योंकि आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है, मोहब्बत से ज़्यादा आदत हो जाती है। तो फिर भी इस किस्म के जब केसेस सामने आते हैं तो वी कांट बिलीव, क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं? 27 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, ये एक सफरिंग तो है। अब ये आप सही कह रहे हैं, इसमें बड़ा वजन है कि जब ये एक दूसरे को बगैर अब नया सफ़र शुरू करेंगे और फिर ये एक दूसरे को देखेंगे भी, जब वो कह रहे हैं ना कि मिलके काम करते रहेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है, इंसान होने के नाते पेनफुल भी है। फिर आप बच्चों के लिए उनकी बर्थडेज भी होंगी या खुशियां होंगी, शादियां, तो आपको इकट्ठे भी आना पड़ेगा एक दूसरे के सामने। बच्चे इन्वाइट कर लेते हैं माँ बाप दोनों को कि आप बैठें, तो फिर आप उस टेबल पर एक ही टेबल पर बैठ के खाना भी खा रहे हैं, और फिर आपने आपको सिर्फ तसली देने के लिए वी आर गुड फ्रेंड्स या ऐसे बस दिल को वो क्या उसे कहते हैं तसली देने वाली बात है, लेकिन ये ओवरऑल बड़ा मुश्किल होता है। नाज़रीन उम्मीद है आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, और लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूँगी कि ऑल दो बिल गेट्स ही इज़ द फोर्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और 124 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन स्टिल हमने ये कंक्लूड किया कि मनी कांट बाय द हैप्पीनेस। आपको जो एक्चुअल में हैप्पीनेस मिलती है वो मोहब्बत से मिलती है, और अगर जब आप एक फैसला कर लेते हैं साथ ज़िंदगी गुजारने का, आप जब वो वेडिंग वोज लेते हैं, तो आई गेस आपको फिर दिल से एक दूसरे को अपनाना चाहिए, वो ज़िंदगी भर के फैसले होते हैं। और इसी के साथ हम आज के शो का इख्तिताम करते हैं, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में भी दे सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाय दिस इज़ फ्लाविया खान एंड यू आर वॉचिंग वाओ टीवी, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग इट। थैंक यू।